तट। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पीपल का पेड़ पे विश्राम कर रहे थे, उस दरमियान जैसे रामायण में राम भगवान से तीर लगा था बाली को, सुग्रीव और बाली दोनों भाई का बीच का आपस का लड़ाई में, तभी से राम भगवान को श्रापित था, क्या आपने प्रभु ये गलत किया, हम दोनों भाई का बीच का ये लड़ाई था ना, तो आपने हमें तीर मार दिया ऐसे। तो भगवान ने कहा कि ठीक है समझ जाता हूँ ऐसा ऐसा। तो फिर वहाँ से बाली को ऐसे श्रापित था, तो कृष्ण अवतार में जैसे राम भगवान कृष्ण बने, कृष्ण भगवान, और जो बाली थे वो शिकारी बने, तो भगवान को हिरण समझ के उनको ऐसा दिखा, चमकता हुआ जंगल था, ये पूरा वन था, उनको लगा कोई हिरण वगैरह है, लेकिन असल में थे भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान के अंगूठे में तीर लगा नहीं थे, फिर यहाँ से उनके भाई जो बाली उनके भाई जो बलराम थे, वो भगवान श्री कृष्ण को गोलोक धाम तीर्थ लेके गए थे, जो हमें हम लोग नेक्स्ट जाएंगे, ठीक है। तो फिर वहाँ भगवान श्री कृष्ण के चरण पादुका है, फिर जो बलराम जी थे वो सृष्णा कविता धारण करके वो पाताल लोक से फिर वहाँ से निकल गए थे, ऐसा इनका ही है। इस जगह का नाम क्या है? हल्का तीर्थ। हल्का तीर्थ, हल्का तीर्थ, हल्का तीर्थ, राइट राइट राइट।